इसमें मोबाइल छीनतई की बात सामने आई थी, जिसको तत्काल संज्ञान में लेते हुए हम लोगों ने एक SIT का गठन किया, जिसमें DSRP बेतिया के नेतृत्व में इसमें लगातार छापेमारी हुई। तो वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान करते हुए इस मामले का जो है उद्भेदन कर लिया गया है। इसमें पूरी टीम को पुरस्कृत किया जा रहा है। इनका आपराधिक इतिहास निकाला गया है। कई मामलों में इनकी वांछित रहे हैं ये लोग कई मामलों में, और अभी भी इनके पास से 13-14 मोबाइल जो अभी हमारे सामने हैं वो भी इनके पास से बरामद हुए। तो ये पुराना गिरोह है जो उस इलाके में लगातार कार्यरत रहा है। नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है, आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। देखिए, मोतिहारी में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, और ये कार्रवाई मोतिहारी पुलिस नहीं नहीं बल्कि रेल पुलिस ने की है। मुजफ्फरपुर के रेल SP कुमार आशीष ने बड़ा एक्शन लिया है। आपको मालूम है, बीते दिनों मोतिहारी के रक्सौल सुगौली रेलखंड पर एक युवती से जो दरोगा की परीक्षा देने जा रही थी, झपटमार गिरोह ने उनके मोबाइल छीनने की कोशिश की, और इस दौरान वो ट्रेन से गिर गई और हाथ पैर कट गया। इलाज के दौरान उस लड़की की मौत हो गई। रेल पुलिस ने इस मामले को बेहद ही गंभीरता से लिया। खुद रेल के SP कुमार आशीष इस मामले को लेकर सक्रिय नजर आए और उन्होंने एक टीम गठित की, और अब 3 अपराधियों को दबोच लिया है पुलिस ने। झपटमार गिरोह के जो ट्रेन में चलते ट्रेन में यात्रियों के मोबाइल छीनते थे, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है, दबोच लिया है। उस लड़की के कातिल को रेल पुलिस ने दबोचकर सलाखों के पीछे भेज दिया। इस बारे में जानकारियां दे रहे हैं मुजफ्फरपुर रेल SP कुमार आशीष, क्या कह रहे जरा वो सुनिए। स्टेशन पर 17 दिसंबर को सुबह में दरोगा परीक्षा के लिए जाते वक्त सलोनी कुमारी, जो पलनवा थाना मोतिहारी जिले की रहने वाली थी, उनके साथ एक दुर्घटना हुई जिसमें कि उनका मोबाइल छीन लिया गया। और दुर्घटना वश जो है ये बात आई सामने कि ट्रेन से गंभीर चोट लगी, और इसके फलस्वरूप 22 दिसंबर को उनकी मृत्यु हो गई। इसमें मोबाइल छीनतई की बात सामने आई थी, जिसको तत्काल संज्ञान में लेते हुए हम लोगों ने एक SIT का गठन किया, जिसमें DSRP बेतिया के नेतृत्व में इसमें लगातार छापेमारी हुई। करीब 2.5 से 3 दर्जन संदिग्ध तत्वों की पहचान की गई, शिनाख्त की गई, छापेमारी लगातार चलती रही। पुलिस कांड में सफलता मिली, जिसमें कि रंजीत कुमार गिरी जो कि मझौलिया बेतिया का रहने वाला है, शौकत अली झुन्ना जो कि बंगड़ा गुमटी थाना सगौली का है, और जो स्टोलन प्रॉपर्टी रिसीवर मोबाइल चोरी के मोबाइल जो खरीदता बेचता है वो जबरेज आलम, वो भी बंगड़ा गुमटी सुगौली थाना का रहने वाला है, इन तीनों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से मृतका का मोबाइल, जो मोबाइल छीना गया था, वो बरामद हो गया, लेकिन काफी क्षतिग्रस्त हालत में है। और साथ ही जब छापामारी हुई तो इनके पास से 13 अलग अन्य मोबाइल प्राप्त हुए हैं, जिस संदर्भ में अलग से केस किया जा रहा है। तो इस प्रकार इस घटना का उद्भेदन हुआ है, जिसमें कि इन लोगों ने अपना अपराध भी स्वीकार कर लिया है, पूरे घटनाक्रम को बताया गया है, और इसकी पुष्टि जो वहां स्टेशन के पास के CCTV कैमराज है उसमें भी इसकी पुष्टि हुई है, दोनों की तस्वीरें भी हमारे पास आई थी। तो वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान करते हुए इस मामले का जो है उद्भेदन कर लिया गया है। इसमें पूरी टीम को पुरस्कृत किया जा रहा है, और यहां से विशेष सहायता के लिए DSP हेडक्वार्टर 1 अतुल दत्ता को भी भेजा गया था। तो इसमें जो वरीय पदाधिकारी हैं उनको प्रशस्ति पत्र, और जो इसमें थाना स्तर के पदाधिकारी हैं उन लोगों को नकद राशि से पुरस्कृत किया जाएगा। और कांड की गंभीरता को देखते हुए इसमें त्वरित विचारण चलाया जा रहा है, जिसमें स्पीड ट्रायल चला करके कठोरतम सजा दिलाई जाएगी। इसके साथ ही मृतका और उसके परिवार को हम लोग न्याय दिलाने का काम करेंगे, और रेलवे और जो भी मुआवजा हो सकता है वो हम लोग उन्हें दिलाने के लिए प्रयासरत हैं। जो लोग पकड़े गए हैं वो एक प्रोफेशनल लुटेरे हैं। इनका आपराधिक इतिहास निकाला गया है। कई मामलों में इनकी वांछित रहे हैं ये लोग कई मामलों में, और अभी भी इनके पास से 13-14 मोबाइल जो अभी हमारे सामने हैं वो भी इनके पास से बरामद हुए। तो ये पुराना गिरोह है जो उस इलाके में लगातार कार्यरत रहा है। तो ऐसे सभी गिरोहों की शिनाख्त की गई है। 4 दिन पूर्व भी 4 लोगों को हम लोगों ने उसी थाने के इलाके से ऐसे ही मोबाइल चोरी और इन सब के केस में, छिनतई के केस में भेजा था। तो इस प्रकार का अभियान लगभग सभी थाना क्षेत्र में हम लोग चला रहे हैं, ताकि जो भी ट्रेनों में इस तरह के अपराध कर रहे हैं उस पर लगाम लगाई जा सके, और उन सभी अपराधियों को जेल भेजा जा सके। थैंक यू सर। तो मुजफ्फरपुर के रेल SP डॉक्टर कुमार आशीष को आप सुन रहे थे। मोतिहारी में उन्होंने बड़ी कार्रवाई की है। देखिए, 3 जो ये अपराधी थे, इन लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया था। चलती ट्रेन में ये लगातार यात्रियों से मोबाइल झपटने की कोशिश करते थे, बैग छीनने की कोशिश करते थे, और ऐसे में
रेल पुलिस अधीक्षक ने ये बड़ी कार्रवाई की है, खुद इसका मॉनिटरिंग कर रहे थे रेल एसपी डॉक्टर कुमार आशीष, और अब उस लड़की के कातिल को दबोच लिया है। जिस लड़की की जान चली गई, वो दरोगा बनने के लिए परीक्षा देने जा रही थी। रेल एसपी ने इस पूरे मामले को बेहद ही गंभीरता से लिया और अब पुलिस ने अपराधियों को दबोच कर जेल भेज दिया है। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें, धन्यवाद।